भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस की सभी मित्रों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वो सिर्फ बुराई का अंत करने ही इस दुनिया में नहीं आए थे, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया। हर रिश्ते की अहमियत बताई, हर रिश्ते को किस हद तक कैसे निभाना चाहिए ये उन्होंने सिखाया और यही इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज हम देखते हैं कई लोग कहने को तो सभी ही कहते हैं कि हम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम थोड़ा भी कोशिश नहीं करते कि हम उनके आदर्शों पे चल पाएँ। इतना तो हम नहीं कह सकते कि हम पूरा ही चल पाएँ क्योंकि वो तो मर्यादा थे, वो तो भगवान जी के अवतार थे, वो तो आदर्श प्रस्तुत करने आए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप 100% जो मैं कर रहा हूँ यही करो, पर ये कलयुग है। लेकिन अब हम अगर हम कोशिश करेंगे थोड़ा भी उनकी तरह चलने की तो निश्चित रूप में ज़िंदगी में परेशानियाँ थोड़ा कम होंगी, थोड़ी अच्छाई की ताकत बनी रहेगी, थोड़ा सच्चाई का सत्य भी दुनिया में जिंदा रह पाएगा और तभी हम कह पाएंगे कि हमने उन्हें अपना आदर्श माना था। एक बेटा, एक भाई, एक पति, एक राजा कैसा होता है, हर चीज़ के लिए वो एक आदर्श प्रस्तुत करके गए। वो बात अलग है कि हम कितना चल पा रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, वो बात अलग है कि हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। राजनीति में ही देखो, लोग उन्हें उनके नाम पे कई लोग कथावाचक से लेके राजनीति तक और जिनकी राजनीति में नहीं चलती वहाँ से हटके वो भी भगवान के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना नाम चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को उसी प्यास कट्टी पे बैठ के भूल जाते हैं। और वही जब उनके आदर्शों पे आँच आती है तो कोई एक शब्द अपनी तरफ से कहने के लिए उन्हें लगता है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा और वहीं वो डरते भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भगवान के आदर्शों पे चलने में, जब भगवान के आदर्शों पे आँच आती है वहाँ पे बढ़ने में अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है, आपको धर्म पे की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हुए अगर डर लगता है तो उनके नाम से रोटियाँ सेकना, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो व्यासपीठ पे बैठ के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप उनके नाम से रोटियां सेकोगे, अपना नाम चमकाओ, अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वो सभी देख रहे हैं, इसी का हिसाब किताब करने वो दुनिया में आए थे। वही यही वो सिखा के गए कि इंसान कितना सुधर सकता है। इसीलिए उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि लोग मेरे आदर्शों पर कितना चल पाते हैं, लेकिन लोग आज चल रहे हैं उनके आदर्शों पे अपने स्वार्थ के लिए, उनके आदर्शों पे चल रहे हैं अपने फायदे के लिए, उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है अपनी रोटियों के लिए, जो कि सरासर गलत है। हम ये देखते हैं जब धर्म पे आ जाती है तब यही लोग खामोश बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो मानवीय मूल्यों का स्थापित करने आए थे, जो रिश्तों की को आदर्श रिश्तों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने आए थे इस दुनिया में, वो उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि उनका अगला जन्म थोड़ा सा सुधर सके, थोड़ा सा उन्हीं के आत्मा उन्हें ना कोसे कि जिन भगवान को तुम आदर्श मान रहे हो उनके नाम पे तुम रोटियां सेक रहे हो, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, और निश्चित रूप से इसका खामियाजा किसी न किसी को जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी अगर आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो, कोशिश करो थोड़ा सा उनकी तरह चलने की और उनके नाम का इस्तेमाल कम से कम करना बंद करो। जय श्री राम। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने के लिए, आप खुद प्रेरित होते हैं तो लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आने वाले वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिए।